अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें आए रोज जिंसी ज्यादती के कई केसेस हर मुल्क माशरे और तबके में देखने को मिलते हैं। वैसे तो तमाम तर ऐसे वाकयात इंसानियत के मुंह पर तमाचा हैं, मगर कुछ दरिंदगी और सफाकियत के ऐसे वाकयात भी हैं जो इंसानों के जहनों पर नक्श हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया में होने वाले एक ऐसे ही दरिंदगी के वाक्य के बारे में बताऊंगा जिसने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया था। ये कहानी इंडिया की एक आम सी लड़की निर्भया की है जिसका ताल्लुक दिल्ली के करीबी गाँव पालम से था। निर्भया दिल्ली कॉलेज में इंटर्नशिप करने के साथ साथ फिजियोथेरेपी का कोर्स भी कर रही थी। ये कहानी 16 दिसंबर 2012 से शुरू होती है। उस रोज निर्भया अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखने की गरज से घर वालों की इजाजत लेकर दिल्ली पहुंचती है। इस दिन चूंकि छुट्टी थी तो रश होने के सबब उन्हें दिन की टिकट ना मिली। फिर उन्होंने रात के शो की टिकट बुक करवा ली। रात को तकरीबन 9 बजे फिल्म खत्म हुई। सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर वो रक्षा करवाने की गरज से रोड पर आए, मगर कोई रिक्शा वाला उन्हें कम रकम में पालम गांव छोड़ने के लिए रजामंद ना हुआ। आखिर एक रिक्शा वाला उन्हें मुनीर का बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए राजी हो गया। उन्होंने सोचा कि वहां से वो बस पकड़कर गांव पहुंच जाएंगे। जब वो दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी और उन्हें पालम गाँव के लिए कोई बस ना मिली। थोड़ी देर बाद एक चार्टर्ड बस वहां आकर रुकती है जिसके शीशों पर पर्दा लगा हुआ था। उन्हें एक लड़का बस में से आवाज देता है और पूछता है कि आपको कहां जाना है, तो वो बताते हैं कि हमें पालम गांव जाना है। वो लड़का कहने लगा, हम भी वहीं जा रहे हैं, आ जाओ, आपको भी वहां छोड़ देंगे। जब वो दोनों बस में चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा चार लोग पैसेंजर सीट्स पर बैठे हुए थे। दरअसल ये एक राइट जॉय बस थी जो रोजाना ड्राइवर अपने घर ले जाया करता था। क्योंकि उस दिन छुट्टी थी तो उन्होंने सोचा कि आज घूमते हैं। वो सब शराब में धुत बस को दिल्ली की सड़कों पर घुमा रहे थे। ड्राइवर का नाम राम सिंह था। राम सिंह के अलावा मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और जुगनाइल भी इस बस में सवार थे। पैसेंजर सीट पर बैठे लोग इस लड़के के साथ निर्भया को देखकर उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। इस पर निर्भया के दोस्त को गुस्सा आता है। निर्भया के दोस्त और उनमें काफी देर बहस रहती है और बहस के दौरान ही अचानक ये सब निर्भया के दोस्त पर हमला कर देते हैं और इस बस में मौजूद लोहे के रॉड से मारते हैं जिससे वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर वो देखता है कि वो लड़के निर्भया को घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और बस की लाइट बंद कर देते हैं और इसके बाद बारी बारी वो छह लड़के निर्भया का रेप करते हैं। इसी दौरान बस लगातार दिल्ली की कई सड़कों पर चलती रहती है। इतवार का दिन था। रात के 9:45 बजे ये दरिंदगी का खेल शुरू हुआ और इसके 2 घंटे बाद तक ये बस दिल्ली के 3 थानों की हदूद में चक्कर लगाती रही, जिनमें वसंत बहार, वसंत कुंत और वसंत कुन्नाव शामिल थे। इसी दौरान ये बस रास्ते में कई पुलिस चौकियों से गुजरती है और दिल्ली की सड़कों पर इतना रश होने के बावजूद किसी को शक ना हुआ कि बस के अंदर क्या हो रहा है और निर्भया की आहो सिसकियां सुनने वाला कोई न था। तकरीबन 2 घंटे तक इन 6 लड़कों ने निर्भया के साथ जबरदस्ती की। ना सिर्फ जबरदस्ती की बल्कि इस तरह जबरदस्ती की कि जानवर भी इस तरह नहीं करते। शुरू में जब निर्भया ने मजाहमत की तो उन्होंने बस में मौजूद पाना और इस तरह की दूसरी चीजें तक निर्भया के मखसूस आजा में डालने की कोशिश की और जितना वो इसे नोच खसोट सकते थे वो उन्होंने किया। इस वहशीपन के बाद जब इनकी हवस खत्म हुई तब तक निर्भया पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी और आलम यह था कि इसकी आंतें पेट से बाहर आ चुकी थी। तो इनमें से किसी ने कहा कि शायद ये मर चुकी है, तो उन्होंने कहा कि ये मर चुकी है तो इसके साथी को भी मार देते हैं। चुनाचे उन्होंने इसके दोस्त के सर पर एक बार फिर राड मारा। इस सारी कार्रवाई के दौरान निर्भया ने 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन इन लड़कों ने इसकी सारी चीजें छीन ली। आखिर में इन दोनों के कपड़े भी उतार कर उन्हें मुकम्मल बराहना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब इस सारे वाक्य को एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाए और एक सुनसान जगह पर इनको बस से बाहर फेंक दिया और उन दोनों पर गाड़ी चढ़ाने लगे ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन उस वक्त निर्भया का दोस्त कुछ होश में था और निर्भया मुकम्मल बेहोश थी। निर्भया का दोस्त उसे घसीट कर किसी तरह सड़क के किनारे मौजूद झाड़ियों में ले गया और इस तरह वो दोनों बस के नीचे आने से बच गए और वो दरिंदे बस को तेजी में भगाते हुए ले गए। रात तकरीबन 11:30 का वक्त था। निर्भया के दोस्त के पास कोई मोबाइल नहीं था, ना ही इनके बदन पर कपड़े थे। इसी दौरान वो हाथ उठाकर
और चीख कर किसी को रोकने की जितनी कोशिश कर सकता था उसने की। इस लड़के का बयान था कि इसके बाद वहां से दर्जनों रक्षे गुजरे, बहुत सी गाड़ियां गुजरी, कुछ लोग गुजरे, लेकिन इनके लिए कोई न रुका और किसी ने उनकी मदद नहीं की। इन्हें बिना कपड़ों के जख्मी हालत में लोग एक नजर देखते और आगे चले जाते। इसी दौरान एक शख्स गुजरा जिसने इनकी मदद की। इसने इन दोनों की हालत देखी और 100 नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर के बाद अचानक 3 पेट्रोलिंग जीप्स वहां पहुंच गईं। क्योंकि ये बस 3 थानों की हदूद से गुजरी थी इसलिए तीनों थानों से एक एक जीप इस जगह पर पहुंची। जब ये तीनों जीप्स इस जगह पर पहुंची तो निर्भया को फौरन अस्पताल ले जाने की बजाय इनमें ये बहस शुरू हो गई कि निर्भया को किस जीप में बिठाया जाए और ये इलाका किस थाने की हदूद में आता है जहां पर ये लड़की लहूलुहान पड़ी है। कुछ देर इसी बहस में गुजर जाती है, आखिर हद तय हो जाती है और निर्भया का दोस्त उस हद वाले थाने की जीप में उसे उठाकर डालता है। पुलिस वाले भी इसकी मदद करते हैं और इसे करीब मौजूद सफदरजंग अस्पताल में ले जाया जाता है। जब निर्भया को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो सबसे पहले निर्भया के जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा और चादर मंगवाई जाती है। जब निर्भया को देखने के लिए सबसे पहला डॉक्टर आता है तो इसे देखते ही जो पहला जुमला डॉक्टर कहता है वो ये था कि तुम किसकी लाश उठाकर ले आए हो, ये तो डेड बॉडी है, हम इसका इलाज क्या करें। क्योंकि निर्भया की हालत ही कुछ ऐसी थी, इसका मुंह नहीं खुल रहा था और गर्दन से लेकर नीचे पांव तक जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो इन दरिंदों ने छलनी ना किया हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी आंतें पेट से बाहर आ चुकी थीं। जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स पर मुख्तलिफ चीजों से हमला, सीने पर जख्म, हाथ कुचले हुए, गर्ज निर्भया का पूरा जिस्म ही जख्मों से चूर था। फिर भी डॉक्टर इसका इलाज करना शुरू करते हैं। इसके बचने की उम्मीदें बहुत कम थीं। इसके 48 घंटे बाद ये खबर मीडिया में आती है। जब निर्भया के बारे में ये खबर बाहर आती है तो दिल्ली के लोग दहल कर रह जाते हैं और लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या कोई किसी के साथ इतनी दरिंदगी भी कर सकता है। निर्भया को कोई नहीं जानता था लेकिन सब इसके लिए दुआ करते हैं। अवामी दबाव और मीडिया के सवालात की वजह से दिल्ली की पुलिस आखिर 2 दिन बाद होश के नाखून लेती है और तहकीकात शुरू हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो उन्हें वही सफेद रंग की चार्टर्ड बस 8 किलोमीटर के दायरे में कई बार गुजरती हुई दिखाई देती है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखाई देता है कि इस जगह पुलिस वाले भी हैं, पेट्रोलिंग पुलिस वाले भी हैं और लोग भी हैं। चलती बस में रेप हो रहा है लेकिन किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होती। बस के रंग और नंबर से पुलिस इस बस तक पहुंचती है, फिर इस बस के ड्राइवर तक पहुंचती है और फिर बस ड्राइवर के जरिए इस बस में सवार उन 6 लड़कों तक पहुंचती है और एक एक करके सबको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। फिर वो 6 लड़के अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, इनमें से कुछ इस जुर्म का इकरार भी कर लेते हैं। उधर निर्भया के लिए लोगों की दुआएं जारी थीं, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। इसके बहुत सारे जिस्मानी अज़ा बेकार हो चुके थे और इसके जिस्म में इन्फेक्शन फैलने का डर था। इसी दौरान ये फैसला किया गया कि निर्भया के जिस्मानी अज़ा को ट्रांसप्लांट किया जाए। इसे सिंगापुर के एक अस्पताल जिसका नाम माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है, जिसका सारा खर्च इंडियन हुकूमत उठाती है। निर्भया को स्पेशल प्लेन के जरिए 26 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया जाता है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इसे एडमिट किया जाता है, इसके माँ बाप भी साथ जाते हैं। शुरू में खबर आई कि इसकी हालत संभल रही है लेकिन फिर 29 दिसंबर को सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और खबर आती है कि निर्भया मर चुकी है। पूरे मुल्क के लोग सकते में आ जाते हैं, लोगों का एहतजाज, सियासतदानों के बयानात, पार्लियामेंट में झगड़ा, सड़कों पर मोमबत्तियों का उठाकर लोगों का एहतजाज, सब कुछ होता है। मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने की बात होती है। फिर कोर्ट में ये मामला जाता है, लोगों को लगता है कि इस केस का फैसला जल्दी हो जाएगा। इसी दौरान इन 6 लोगों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर लेता है। एक जिसका नाम जुगनाइल था उसने जब 16 दिसंबर 2012 में ये जुर्म किया तो उसके बालिग होने में सिर्फ 8 या 9 महीने बाकी थे, यानी वो 17 साल और कुछ महीने का हो चुका था। तब ये सवाल उठा कि क्या इसे नाबालिग समझा जाए। इस सारे केस में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ और इस केस में जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत और दरिंदगी दिखाई वो यही नाबालिग था। लेकिन चूंकि इंडिया का कानून ऐसा है कि जुगनाइल को सख्त सजा नहीं दी जा सकती थी, ना उसे बड़े मुजरिमों के साथ रखा जा सकता था, चुनाचे इसे चिल्ड्रन होम में रखा गया और इस लड़के को सिर्फ 3 साल की सजा हुई। 3 साल के बाद इस हैवान को रिहा कर दिया गया। बाकी मुजरिमों में से एक ने खुदकुशी कर ली, एक 3 साल के बाद रिहा हो गया, बाकी 4 बच गए जिन्हें लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फिर हाई कोर्ट ने भी इन्हें फांसी की सजा सुनाई।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर इन चार में से तीन ने इस फैसले को चैलेंज किया और इस केस को रिव्यू पटिशन में डाला और इस रिव्यू पटिशन को भी 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन इन्हें फांसी ना दी गई। वो चारों तिहाड़ जेल में थे। हालांकि उम्मीद ये थी कि निर्भया केस के बाद जो शोर उठा था, जिस तरीके का दर्द पूरे इंडिया और पूरी दुनिया ने महसूस किया था, शायद बहुत जल्द इस केस का फैसला होगा, लेकिन इंडिया में भी इंसाफ गिड़गिड़ा कर ही मिलता है। ये केस बहुत ही साफ था और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुजरिमों को फांसी की सजा ही दी थी, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी वो जिंदा ही थे। आखिरकार कल 20 मार्च 2020 को उन्हें फांसी दे दी गई और यूं एक तवील मुद्दत के बाद निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।